अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जैन। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा बच्चों की तो ऑल टाइम फेवरेट है। बड़े भी इसको जो है वो शौक से खा सकते हैं, क्योंकि हम रोज़ डेली रूटीन में एक ही तरह का नाश्ता करके बोर हो जाते हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पैनकेक्स की रेसिपी। यहाँ पर मैंने 2 अदर एग्स लिए थे और इनकी जर्दी और सफेदी सेपरेट कर ली थी। बहुत ही ज़्यादा फ्लफी और सॉफ्ट बनते हैं, आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। बिल्कुल भी टाइम टेकिंग रेसिपी नहीं है, झटपट आसानी से आप इसको बना सकते हैं। 2 अदर अंडे की जर्दी में जो है मैंने 4 से 5 टीस्पून दूध ऐड कर दिया है। अगर आप अंडे की क्वांटिटी ज्यादा करते हैं तो उसी हिसाब से आपको बाकी चीजों की क्वांटिटी भी ज्यादा करनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 टीस्पून के बराबर इसमें मिल्क ऐड कर दिया था। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। अब इसके साथ ही मैंने इसमें 3 टेबलस्पून भर के मैदा ऐड किया है। और मैदा डालने के बाद हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि इसमें लम्स वगैरह ना रहे और स्मूथ सा बिल्कुल इसका टेक्स्चर हो जाए। बिल्कुल भी टाइम टेकिंग रेसिपी नहीं है और कम इंग्रेडिएंट के साथ आप इंतहाई मज़ेदार जो है पैनकेक्स तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए इसका स्मूथ सा टेक्सचर हो गया। इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने वनीला एसेंस के ऐड कर दिए हैं। अब यह 2 अदद अंडे की जो सफ़ेदी मैंने ली थी, इसको बीटर की हाई स्पीड पर मैंने अच्छे से बीट कर लेना है। और इसी दौरान मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर ऐड करते जाना है। अगर आप यहाँ पर किसी भी वजह से इसमें शुगर ऐड नहीं करना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। जब पैनकेक्स बन के तैयार हो जाएंगे तो उसके ऊपर आप हनी जो है वो डाल के भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए हमने जो है वो अंडे की सफेदी को इतनी देर तक बीट करना है कि स्टिफ पीक्स जो है वो इसकी बन जाए। ये देखिए इस तरीके से। अब इसमें से थोड़ी सी हमने लेके 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो जर्दी में मिक्स करनी है, ताकि ये अच्छे तरीके से बाद में जब हम इसे अंडे की सफेदी में डालेंगे तो ये मिक्स हो जाए। अब इस जर्दी के मिक्सचर को आपने अंडे की सफेदी में डाल देना है और स्पैचुला की मदद से आपने कट एंड फोल्ड कर लेना है। धीरे धीरे आपने इसको मिक्स करना है, बहुत तेज़ी से नहीं चलाना। तो देखिए है ना आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। आप लोग जो है वो सुबह भी इसको बनाना चाहते हैं ना, झटपट आसानी से बना सकते हैं। और किड्स के लंच बॉक्स आइडियाज़ के तौर पर भी ये जो है बहुत ही आइडियल रेसिपी है। अब यहाँ पर मैंने एक पाइपिंग बैग लिया था। ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप इसी में डाल के जो है तो पैनकेक्स बना सकते हैं। आप कोई भी गहरा सा स्पून लेके उसमें डाल के और उसको पैन में डाल के आप इस तरीके से भी इजी बना सकते हैं। तो चीज़ों को हमें मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, जिस तरह आपको ईजी लगे आप उसी तरह इसको बना सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जो है पाइपिंग बैग की मदद से इस तरीके से इसको पैन में जो है वो डाल देना है। फ्लेम आपने बहुत ही स्लो रखना है, इंतहाई स्लो फ्लेम पर आपने जो है वो इसको पकाना है, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ढक के रख दिया था, ताकि ये एक साइड से अच्छे से हो जाए। तो फिर हमने इसकी साइड जो है वो चेंज करनी है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया था और इसके बाद हल्का सा मैंने इसमें ऑयल भी डाला था, ताकि ये जो है वो पैन के साथ जो है चिपके नहीं। कवर करके इसको मैंने रख दिया था 5 से 6 मिनट के लिए। देखिए अब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी और भी पैन के एक्स्ट्रा में बना के रेडी कर दी गई थी। तो है ना मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। इसके ऊपर जो है वो मैपल सिरप जो है वो हम इस तरह से डाल देंगे। आप हनी भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना तो बनता है, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह से मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज लाती रहूँगी। जल्द मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।